बेशक स्कॉटलैंड की राजधानी एडनबरा शहर है, पर एडनबरा तो भी बधेरे चर्चा ग्लासगो का हुंदा रहिंदा। ग्लासगो अपने आप दे विच एक विश्व प्रसिद्ध शहर वजों जाने जाता है। तुसीं अक्सर जदों ग्लासगो का जिक्र करदे हो जां ग्लासगो नाल संबंधित तस्वीरां देखदे हो तां एक विशेष बुत का जिक्र हुंदा है जिस दे सिर उपर ट्रैफिक कोन सजी हुई है। पिछले लंबे समय तो लगभग 43 साल तो वह कौन लेंदी रहिंदी है ते उचड़दी रहिंदी है। उस कौन बारे की रोचक जानकारी है तुहाडे नाल पंज दरिया राही सांझी कर लगे हैं। वह बुत है एक घोड़सवार व्यक्ति का जिसके सिर उपर ट्रैफिक वाली संतरी ते चिट्टे रंग की कौन पहनी नजरी पैंदी है। ग्लासगो शहर की प्रसिद्ध क्वीन स्ट्रीट स्थित गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के सामने खड़ा है बुत ड्यूक ऑफ वेलिंगटन आर्थर वेलिंगटन का। इस बुत बारे अते बुत दे सिर उपर सजी मुक्त रूपी ट्रैफिक कोन बारे रोचक जानकारी शायद ही लोगों के जेहन दे विच ना होवे। असी पंज दरिया दे मंच राही यह जानकारी सांझी करन दी खुशी लै रहे हैं। ग्लासगो दे रॉयल एक्सचेंज स्क्वेयर स्थित ड्यूक ऑफ वेलिंगटन दे बुत नूं 1844 इतालवी कलाकार कार्लो मारोचेटी द्वारा बनाया गया सी। 1980 तो पहला यह सधारण घोड़सवार का बुत ही सी, पर इस बुत दे सिर ते मुक्त वांग सजी कौन विश्व भर में वक्री पछाण बन गई। इसे विलक्षण दिख करके 2011 लोनली प्लैनेट गाइड ने इस बुत नूं इस धरती के सब तो अजीब 10 स्मारकों की सूची में शामिल किया। हुण हर किसी के दिमाग में यह सवाल आएगा कि बुत दे सिर उपर ट्रैफिक कौन सजन का कारण की सी। इस बुत दे सिर ते कौन सजन की परंपरा रातां नूं पब्बां क्लबां विच मौज मस्ती खाण पीण वाले लोगों की मौज मस्ती विचों होई। 1980 पहली बार दारू नाल टुन हुए टोले वालों एक कौन बुत दे सिर ते इलत इलत विच रखी गई। स्थानक अथॉरिटी कौन नूं उतार दिंदी ते लोग फिर रख दिंदे। बेशक स्थानक कौंसल इस नूं बुत नाल छेड़छाड़ मानदी रही, पर नतीजा यह निकलिया कि तस्वीरां जरिए यह बुत विश्व के कोने कोने विच पहुँच गया। दूरों दूरों आउंदे सैलानी इस बुत नूं देखण विशेष तौर पर पहुँचण लगे। 2005 ग्लासगो सिटी कौंसल ते स्ट्रैथक्लाइड पुलिस वालों बुत नूं नुकसान पहुँचण अते लोकां दे सट फेट लगण दा हवाला दे के लोकां नूं इस कौन नूं बुत दे सिर ते ना रखण लई अपील कीती गई, पर मस्त मौले लोग अपनी धुन विच सवार रहे। 2013 कौंसल ने एक प्रस्ताव ते काम करना शुरू किया कि बुत नूं होर उच्चा कर दिता जाए तां कि कोई उपर ना चढ़ सके। लोगों ने ऑनलाइन मुहिम राही 10,000 दस्तखत करके इस प्रस्ताव नूं भी ब्रेकां लगा दित्तियां। उस तों बाद भी बुत उपर कौन सजदी रही ते लेंदी रही। हर बार कौंसल नूं उस कौन नूं लाउण दा खर्चा लगभग 100 पाउंड सी ते कौंसल नूं सालाना लगभग 10,000 पाउंड दा भार भी झलना पिया। फिर कौंसल ने भी एक तरह प्रवान कर लिया कि उक्त ट्रैफिक कौन ग्लासगो शहर की पछाण का चिन्ह बन चुकी है। जदों भी कोई अलोकारी जां अहम घटना वापरदी है तां इस बुत उपरली कौन दे बदलदे रंग इसका प्रतीक बनते हैं। 2012 ओलंपिक दौरान टीम GB वालों जितते सोने के मैडलों में स्कॉटलैंड के योगदान नूं दर्शाउण लई इस कौन का रंग सोने रंगे रंग में बदल दिता गया। 2014 राष्ट्रमंडल खेडां के उद्घाटन समारोह में भी इस कौन की झलक दिखाई दिती। 2014 के स्कॉटिश स्वतंत्रता रायशुमारी के समर्थन में भी बुत उपर हाँ वाली कौन के नाल घोड़े की रकाब में झंडा टंगिया गया सी। 2020 कोरोना वायरस दौरान ड्यूक के चेहरे पर बहुत समा मास्क लग्या रहा जो लोगों नूं मास्क पहनण का सुनेहा दिंदा सी। मार्च 2022 बुत नूं रूस द्वारा हमले तो बाद यूक्रेन लई समर्थन दिखाउण वास्ते विशेष तौर पर हाथ नाल बुने हुए पीले ते नीले धागियां वाला कौन भी चर्चा विच रहा। इस विश्व प्रसिद्ध बुत नाल एक घटना होर भी जुड़ी जदों 2014 क्रिसमस मौके एक 51 साल व्यक्ति सेंटा क्लॉज की पोशाक विच ड्यूक दे बुत ते सवार होकर बह गया सी। उन्हों उतारन लई फायर ब्रिगेड ते पुलिस दीआं गड्डियां दा मेला लग गया सी। पौड़ी ला के जदों उस व्यक्ति नूं उतारन उपरंत पुलिस अपनी वैन विच बिठा के ले जाण लगी तां वड्डी गिणती विच हाजर लोगों वल्लों सेंटा नूं आजाद करो सेंटा नूं आजाद करो दे नारियां नाल ग्लासगो गूंज उठिया सी। बेशक 1980 आम लोगों की मौज मस्ती ते इलत विचों उपजी कौन इस बुत दे सिर ते सुशोभित होई सी, पर अज दी घड़ी जदों भी किधरे ट्रैफिक कौन वाले घोड़सवार दे बुत दी तस्वीर सामने आउंदी है तां हर किसी दी जबान ते ग्लासगो दा नाम आप मुहारिया जांदा है।